जा रहे हैं, सवेरे सवेरे नाश्ता बना लिए हैं, घूघनी रोटी। ये देखिए सब खा रहा है, एक में भाई बहन दोनों पट्टा धर लिया था डेली। जा रहे हैं अंजलि का फिर वो चक्कर वाला प्रॉब्लम आ गया है। डॉक्टर उसको बोला, उसको मतलब चेतावनी दिया था, मुझे नहीं कान के अंदर जो जाता है ईयरफोन वो एकदम नहीं लगाना है, और वो लगा ली है तो कल से चक्कर आ रहा है, बहुत कस के आ रहा है चक्कर। क्योंकि जब बेटा बेटी सब समझदार ना हो ना, तब गार्जियन के नाचना पड़ता है। तो इतना उदम बोल दिया था एकदम कि आपको ये ज़िंदगी में कभी नहीं लगाना है, लगाया ना ज़्यादा साउंड में आपको रहना है। जैसे डीजी वजह बजता है ना ब्याह शादी में, तो उसका साउंड में आपको नहीं रहना है, नहीं तो आप बेहोश भी हो सकती है। ये देखिए अब हमको जाना है डॉक्टर के चक्कर लगाएंगे सवेरे सवेरे। नाश्ता बना के जा रहे हैं, अभी खाना उना ना नहाए हैं ना खाए हैं, अभी आएंगे तो नहाएंगे खाएंगे, झाड़ू भी आएंगे तब झाड़ू पोछा भी करना है, आएंगे तब करेंगे। जा रहे हैं, रास्ते में है अभी, मौसम आज का बहुत अच्छा खेले एकदम, अभी बादल उदल लगे ले, देख रहे हैं मौसम बहुत अच्छा खेले जाए। लेकिन डॉक्टर साहब बैठे हुए नहीं है, कल बैठेंगे, कहीं गए हुए, आना भी मेरा बेकार हो गया। जा रही हूँ लौट के, अब कल फिर सुबह में बोले हैं कि आना, और सुबह में आएंगे क्या करेंगे, बेटा बेटी के चलते तो दर दर भटकना पड़ता है। आए हैं अब तो आधा घंटा आराम करेंगे, उसके बाद कुछ काम करेंगे। पानी भी फिर से फिर करने लगा, तेजी से हम लोग आए हैं और काम हुआ भी नहीं, जिस काम से गए वो काम नहीं हुआ, तो कहीं गए हुआ है, उसको चक्कर आ रहा है, बड़ा दिक्कत हो गया है। आए तो कुछ कुछ सब्जी भी लाए हैं, गए तो सोचे कि काम के लिए, क्योंकि बारिश हो रहा है तो बड़ा टेंशन है, तो नेनुआ लिए और ये खीरा लिए, टमाटर लिए, बस कैमरे से आप लोग को दिखलाते हैं। बड़ा टेंशन हो जाता है, बाल बच्चा का तबीयत खराब होगा ना तो बड़ा टेंशन, हम ही को टेंशन होता है। क्या सर बिना कुछ काम धंधा, पहले घर का खर्चा नहीं निकले, घर का खर्चा निकालना बहुत जरूरी है। दिमाग में आयल है सोचले भी मैं, लेकिन सारा व्यवस्था करते करते कुछ टाइम लगेगा ना, टाइम तो लगेगा है, करना ही पड़ेगा। अब कुछ कुछ से क्या होगा, अब इधर हम सीखते रहते हैं खाना उना बनाने के लिए। यहाँ पर लाए हैं टमाटर, एक किलो ले लिए हैं, खीरा ले लिए हैं। भाई यार तुम कोई चीज़ में न छू देता है, धनिया का पत्ता आदि टमाटर, इसको तबीयत खराब होता है, एक किलो सेब लिए, ये नेनुआ लिए एक किलो। ऐसे तो पड़बे चीज़ में खाली आबे करता है सब। और यहाँ पर मटन ले लिए, उसको कमजोरी भी दे रहा है, तो अभी 600 ग्राम मटन लिए हैं, मटन बना देंगे। जा दो चर्बी नहीं ना दिया है, ना ना चर्बी कहाँ है, दम माना चाहिए तो इसको, ये तो दम खड़ा खड़ा है, दम मस्ती से मस्त मस्त दिया है ना, कुछ आवाज़ सुनो उसके, हटा नहा लिए, पूजा कर लिए, नाश्ता मेरा हो गया है, अब जा रहे हैं मटन की तैयारी करने। तो यहाँ पर प्याज भी कट कर लिए हैं, अभी किचन देख लीजिए ऐसे है, कुछ साफ भी करना है, बर्तन धोना है। चले कहूँ पर जाइए ना तो बड़ा काम रह जाता है, बहुत ज़्यादा काम रह जाता है, उलझ के रह जाता है। यहाँ पर हम फोरन निकाल रहे हैं, जीरा निकाले हैं, गोलकी निकाले हैं, चटपत्ता, सूखा लाल मिर्च और एक दालचीनी, इलायची, यही जाएगा फोरन में।
बैक कैमरे से दिखलाते हैं आप लोगों को। तो फोरन निकाल लिए हैं, जीरा गोलकी तेज पत्ता दो को है, तेज पत्ता दो, सूखा लाल मिर्च और ये बड़ी इलायची छोटी इलायची और दालचीनी। चलते हैं बनाने। और ये इतना प्याज है, मीडियम से तीन प्याज काटे हैं। आज काम बहुत लेट हो जाएगा मेरा, संडे है ना, थोड़ा थोड़ा सा लेट हो जाता है तो बड़ा काम बैठा रह जाता है, क्या करें। तेल यहाँ पर डाल दिए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे फोरन। फोरन मेरा हो चुका है, अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज यहाँ पर डाल दिए हैं, अब इसको हम चला लेंगे। उसको दो मिनट भून के उसके बाद मटन डालेंगे, ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे, बस दो मिनट। अब इसमें डलाएगा मटन। यहाँ पे हम नमक डाल देंगे, फिर नमक थोड़े और इसके अंदर तक स्वाद नमक का चला गया। नमक जा कर डाल दे रहे हैं, नमक डालने से अंदर तक चला जाता है नमक का स्वाद। स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। इसको इसी तरह पकाएंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे। कम से कम इसको 4-5 मिनट भूनेंगे मटन को, उसके बाद मसाला यहाँ पर तैयार कर लिए। ये देखिए इसमें है जीरा गोलकी लहसुन अदरक और दालचीनी एक टुकड़ा, इतना छोटा अदरक। अच्छी से बना रहे हैं, हमको अभी एडिट भी करना है, बज गया है एक। अब सोच लीजिए कि हमको 2 घंटा लगता है, अब हम कखनी एडिट करेंगे, इधर मटन भी बनवा रहे हैं, हमको एडिट भी करना है, अब बीच बीच में वीडियो भी हमको बनाना है। एक ही मोबाइल है, उसमें 75 वो काम है। अब सोच लीजिए यही मोबाइल में हमको वीडियो भी बनाना है, यही मोबाइल में हमको एडिट भी करना है, कैसे होगा बता दीजिए आप लोग, कितना मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर चढ़ा हुआ है, कहूँ बाहर निकल जाए तो काम बहुत ज़्यादा रह जाता है। अब अंजलि को दिखलाना भी ज़रूरी है, मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेती है, कोई चीज़ बोल दीजिएगा ना सोचती रहेगी। हम चाहते हैं उसको टेंशन ना दे, देने वाला भरपूर दे देता है, तो पढ़ने मने नहीं लगता है। कोई भी चीज़ बच्चा को बोलिएगा तो सीधे दिमाग पर असर पड़ता है, और उसको हम एकदम ज़रा सा भी टेंशन नहीं देते हैं, हम बचा के चलते हैं, लोग उसको भरपूर दे देता है, क्या करें। जाएंगे फिर उसको दिखलाने, लाइब्रेरी नहीं गई है, यहीं घर पर क्लास कर रही है बैठ कर, रूम में रूम बंद कर लिया है, क्योंकि अभी कान वाला लगाना नहीं है, चक्कर आएगा तो फिर क्या करेंगे, डॉक्टर अभी है नहीं बैठा हुआ, तो उसको बोले हैं कि मत लगा, जौन डॉक्टर से दिखला रहे हैं वही डॉक्टर से दिखलाएंगे ना, बार बार तो डॉक्टर नहीं बदलेंगे। और एक बार बुलाया था, रुक गया इसका चक्कर, हम उसको बोले थे कि जाकर अब दिखला लेना दोबारा। कुछ कुछ काम ना पैसा के चलते भी रुक जाता है, पैसा रहता नहीं है रुक जाता है। अब घड़ी हमको किसी से लेना पड़ेगा पैसा, 5,000 रुपया मांगेंगे तब जाके कुछ काम होगा। इसका दवाई बहुत महंगा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा, 500 रुपया फी है। अब दवा देखिए कितना में देता है। चम्मच के करीब ये कश्मीरी लाल मिर्च, अब इसको आराम से एकदम से मसाला भूंज लेंगे। अब इसको टमाटर पर मसाला भूनना है, तब जाके अच्छा रहेगा। ये देखिए
चलो खिलाओ, हम मसाला एकदम मस्ती कर। थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी डालो। मसाला अच्छी तरह भून गया है, अब इसमें डालेंगे एकदम, बस बस ज़्यादा पानी मत डालो। चिकन मसाला और मटन मसाला भूंजते भूंजते हड्डी छूट गया है, छोड़ दिया है। एक डेढ़ चम्मच भर चिकन मसाला डाले हैं, उसके बाद डालेंगे मटन मसाला, मीट मसाला एक चम्मच भर। ज़्यादा ही पड़ जाता है तो स्वाद खराब हो जाता है। हम अपना तरीका दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे हम लोग बनाते हैं। चलो चला, मटन मसाला ज़्यादा कभी मत डालिए ना, तो स्वाद ना दूसरे तरह का हो जाता है। एक चम्मच घी डालेंगे, घी से क्या हो जाता है ना, सॉफ्ट हो जाता है। एक चम्मच घी डालिएगा ना तो इसमें सॉफ्टनेस आ जाता है। घी मटन में जरूर डालिएगा। मटन बन के तैयार हो गया है, चावल वहाँ पर चढ़ा दिए हैं। आप लोगों को फाइनल लुक दिखलाते हैं कैसा बना है। ये देखिए, ये मटन का फाइनल लुक है, कितना मस्त बना है। खाना खाने बहुत कष्ट, भूख लग गया है, टाइम हो गया है 3:30 होने जा रहा है, 15 मिनट ऐसे घर ये फास्ट है, तो 3:15 हो गया है। तो जा रहे हैं आप, खाएंगे चावल बोल लेंगे। यहाँ सलाद की व्यवस्था भी है, खीरा टमाटर और प्याज, हमको धनिया के पत्ता ना खड़े खड़े खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है चिकन चाहे मुर्गा में, तो उसके लिए हम धनिया का पत्ता लाए हैं, ऐसे ही खाएंगे। अब चावल यहाँ पर हो गया, जा रहे हैं चावल थाली में डाल देने, तो अब खाने पे मिलेंगे। और ये वीडियो यहीं तक रहेगी फ्रेंड, मटन का रेसिपी आप लोग ऐसे ट्राई करके जरूर देखिए, बड़ा मस्त लगता है, तो टेस्टी। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी, नहीं खाने घर के एंड करेंगे। ये खाना लग चुका है, रोटी चावल मिक्स करके और ये मटन करी, आप लोग भी खा लीजिए। मटन में ना ज़्यादा ग्रेवी नहीं डाले, कम ही डाले। तो ये वीडियो फ्रेंड यहीं तक रहेगी, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हमेशा आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।